Bismillahirrahmanirrahim. Hi and welcome to everyone. In this video, you will learn different types of virtualization in cloud computing. There are many different ways to utilize virtualization for your needs. जो virtualization है उसको आप different ways से यानी कि जो आपकी requirement है उस हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. However, following are five general types of virtualization. Normally जो mostly use हो रही हैं इसकी पांच types हैं. वो कौन कौन सी है जी? First one है जी डेस्कटॉप विचुअलाइजेशन, सेकेंड वन है एप्लीकेशन विचुअलाइजेशन, थर्ड वन है सर्वर विचुअलाइजेशन, फोर्थ वन है स्टोरेज विचुअलाइजेशन, फाइव वन है नेटवर्क विचुअलाइजेशन. ये मोस्टली इसकी जो जनरल टाइप्स हैं वो हैं. इसके अलावा भी काफ़ी हैं, आप उनको फर्दर लेते जाएंगे तो वो डिवाइड होती जाएगी, लेकिन कॉमनली मोस्टली ये फाइव टाइप्स हैं विचुअलाइजेशन की जो यूज़ होती हैं. डेस्कटॉप विचुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए चाहती है कि उसके जो डेस्कटॉप की सर्विसेज हैं वो भी वर्चुअलाइज हो जाएं. तो वो क्या करती हैं कि डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो ये डेस्कटॉप की वर्चुअलाइजेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. आप लोग या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये सर्विसेज क्लाउड प्रोवाइडर से लेती है. डेस्कटॉप के अंदर लाइक जैसे आपका लैपटॉप है, इसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल है और इसके ऊपर आप जो डिफरेंट एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड लाइक अ डेस्कटॉप. और ये सेम सर्विसेज जो है आपको रिमोटली अवेलेबल होती हैं. तो आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इसको प्रेफर करती हैं कि उनके एम्प्लॉई कहीं से भी बैठ के अपने डेस्कटॉप की सर्विसेज को एक्सेस कर सकें और उसके ऊपर काम कर सकें. इसके अलावा एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन है. एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन को आप कह सकते हैं लाइक एज ए सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मीन्स स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन है उसको भी क्लाउड के ऊपर वर्चुअलाइज कर दिया जाता है और फिर उसको यूजर को प्रोवाइड कर दिया जाता है. यानी कि एक एप्लीकेशन को डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट वे से और डिफरेंट लोकेशन से कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं. इसकी एग्जांपल आपके पास लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360 है, यानी कि किसी ने वर्ड की सर्विसेज यूज़ करनी है या एक्सेल की करनी है तो वो रिमोटली भी कहीं से भी बैठ के उसको उस सर्विसेज को यूज़ कर सकता है. इसके बाद सर्वर वर्चुअलाइजेशन है. सर्वर वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपका फिजिकल सर्वर है उसको बेसिकली डिजिटली डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन कर दी जाती है और उसके अंदर जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतने वर्चुअल सर्वर बना दिए जाते हैं ताकि आप उसको मैक्सिमम उस हार्डवेयर को रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें. एंड देन हमारे पास फिर स्टोरेज विचुअलाइजेशन है. स्टोरेज विचुअलाइजेशन के अंदर भी यही होता है कि आपके जो फिजिकल स्टोरेज होती है उनको थ्रू सॉफ्टवेयर कंबाइन कर दिया जाता है और एक पूरा पूल बना दिया जाता है स्टोरेज का, फिर जिसको जितनी नीड होती है उस पूल में से उसको उतनी स्टोरेज एलोकेट कर दी जाती है. इसके बाद नेटवर्क विचुअलाइजेशन है. नेटवर्क विचुअलाइजेशन के अंदर भी जो फिजिकल नेटवर्क होते हैं उसको भी सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क कर दिया जाता है, यानी उसको कंबाइन करके उसकी वर्चुअलाइजेशन कर दी जाती है और वो बेसिकली सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क बन जाता है और फिर जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जाती है नेटवर्क की. इसके अलावा वर्चुअल फायरवॉल भी प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर और इसके अंदर वर्चुअल स्विचेस भी यूज़ होते हैं, वर्चुअल राउटर्स भी यूज़ होते हैं और जितनी भी अदर नेटवर्क की इक्विपमेंट्स हैं वो वर्चुअली भी अवेलेबल होते हैं. ये सारे काम जो है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के अंदर होते हैं. सो दीज आर दी फाइव जनरल टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन. नेक्स्ट विचुअलाइजेशन जो क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर होती है वो क्या हो रहा होता है उसके अंदर आप देखें कि हमारे पास स्टोरेज की विचुअलाइजेशन है, नेटवर्क की विचुअलाइजेशन है और सर्वर की विचुअलाइजेशन है. और स्टोरेज की जो विचुअलाइजेशन है वो हार्डवेयर बेस्ड स्टोरेज होती है, उसका कंबाइन करके पूल बना दिया जाता है तो वो आपके पास वर्चुअल स्टोरेज हो जाती है. इसी तरह फिजिकल जो नेटवर्क है उसको भी कंबाइन करके वर्चुअल नेटवर्क बना दिया जाता है और जितने आपके सर्वर्स हैं फिजिकल उनको भी कंबाइन करके सर्वर्स का पूल बना दिया जाता है ताकि आप उस पूल में से जिसको जितने रिक्वायरमेंट है सर्वर की वो उसको दी जाती है, लाइक जितनी उसको रैम चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, हार्ड ड्राइव चाहिए वो उसको एलोकेट कर दी जाती है उस सर्वर के पूल्स में से. दिस इज कॉल्ड वर्चुअल सर्वर. और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जितने भी हैं वर्चुअल स्टोरेज है वो बेसिकली कनेक्ट होती है वर्चुअल नेटवर्क से. इस तरह वर्चुअल सर्वर्स हैं वो भी कनेक्ट होते हैं वर्चुअल नेटवर्क है. यानी कि वर्चुअलाइजेशन के अंदर भी अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आप विदाउट वर्चुअल नेटवर्क वो काम नहीं करेगा. तो वर्चुअल नेटवर्क की वेरी इंपॉर्टेंस है क्लाउड वर्चुअल एनवायरमेंट के अंदर. तो इस तरह ये डिफरेंट जो वर्चुअल सर्विसेज हैं और इसके जो टाइप्स हैं वो काम करती हैं क्लाउड के अंदर. थैंक यू. आई होप यू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड वर्चुअलाइजेशन. इफ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.